रादौर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए वरदान बनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना। 18,052 लोगों को दिया जा रहा लाभ। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाभार्थियों के लिए वरदान बनी हुई है। योजना के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं मई और जून के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। रादौर की अगर बात करें तो यहां हजारों कार्डधारकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। रादौर सहायक खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रोशन लाल सैनी ने बताया कि इस योजना का लाभ रादौर, जटलाना व गुमथला तीनों सेंटरों में 18,052 लोगों को 75 डिपो होल्डरों के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत हमने रदौर, जठाना, गुमथला तीनों सेंटरों पर 75 डिपुओं के, जो तीनों सेंटरों के अधीन 75 डिपो पड़ते हैं, उन पर ये गेहूँ पहुँचवा दी है और इसका वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18,052 लाभार्थियाँ मिल रहा है। वहीं रादौर के एक डिपो संचालक अंकित गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ कार्डधारकों को दिया गया था और इस बार भी मई और जून माह में लाभार्थियों को 5 किलो गेहूँ प्रति यूनिट मुफ्त दी जा रही है, जिससे लाभार्थियों को काफ़ी राहत मिल रही है। पिछली बार भी सरकार ने लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 5 किलो पर मेंबर फ्री गेहूं दी थी। इस बार भी मई और जून के लिए आदेश आए हुए हैं और मई महीने की गेहूं वितरित की जा रही है। सभी कार्ड धारक इसको लेकर खुश हैं जी, लॉकडाउन में उनको सहायता हो जाती है राशन की। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण ज्यादातर काम धंधे बंद पड़े हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित एक दिन कमाकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोग हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।